तारक मेहता की सोडी के गायब होने से उनका पूरा परिवार टूट गया है। गुरुचरण को गायब हुए अब पूरे 2 हफ्तों से भी ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन पुलिस उनका कोई भी पता नहीं लगा पा रही है। ऐसे में फैंस और फैमिली दोनों ही एक्टर को लेकर काफी परेशान है। पुलिस मामले की जांच तो कर रही है, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। इसी बीच अब गुरुचरण सिंह के परिवार का इस पर रिएक्शन सामने आ गया है। जी हाँ, एक्टर की फैमिली उनके गायब होने से बेहद परेशान है। हाल ही में गुरुचरण सिंह के पिता ने इस पर बात भी की है। एक्टर के पिता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि गुरुचरण लापता है और वो इस बात से बहुत ही परेशान है और उन्हें नहीं पता कि इस मुसीबत से उन्हें कैसे डील करना है। गुरुचरण के पिता ने आगे ये भी कहा, अब बस वो पुलिस से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द कोई अपडेट दे दें। इसी बातचीत में उन्होंने आगे भी कहा कि वो अपने बेटे के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। आपको बता दें कि 22 अप्रैल से ही गुरुचरण सिंह का कोई भी अता पता नहीं है। एक्टर अपने घर से मुंबई जाने के लिए निकले थे, लेकिन ना तो वो मुंबई पहुंचे और ना ही वो वापस अपने घर आए। गुरुचरण कहां गए, उनके साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। पुलिस भी पूरा जोर लगाकर एक्टर की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। हालांकि इससे पहले गुरुचरण के मामले में एक्टर की CCTV फुटेज सामने आई थी और साथ ही साथ उनकी आखिरी लोकेशन पालम भी थी। वहीं कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि एक्टर जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन ये सब कुछ हो पाता उससे पहले ही वो लापता हो गए। इससे पहले गुरुचरण के मामले में पुलिस ने एक अपडेट जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता है कि गुरुचरण ने अपनी लापता होने की साजिश खुद ही रच ली है। अब ऐसे में सच क्या है, ये तो गुरुचरण के मिलने पर ही पता लगेगा, लेकिन हम सब उम्मीद करते हैं कि गुरुचरण सिंह जहां भी हो ठीक हो और जल्द से जल्द अपने घर लौट आए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही फिल्म और टीवी से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे फिल्मी बीट।